हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला में आज जो पॉलीमर हम यहाँ पे देखने वाले हैं वे है पॉलीलैक्टिक एसिड इसे एब्रीवेट किया जाता है पी एल ए से और इसी के साथ अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इट इज अ स्ट्रक्चर डिनाइड फ्रॉम द लैक्टिक एसिड मोनोमर और लैक्टिक एसिड मोनोमर के ही पॉलीमर को हम कहते हैं पॉलीलैक्टिक एसिड तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो स्ट्रक्चर है वह है पॉलीलैक्टिक एसिड इसे इस इमेज में दिखाने की कोशिश यहाँ पे की गई है इट इंडिकेट दिस इज वन ऑफ ग्रीन पॉलीमर अब ग्रीन पॉलीमर क्यों कहते हैं बिकॉज इट इज बायोडिग्रेडेबल और इस पॉलीमर को बनाते वक्त हम ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं जिन्हें हम इजीली डिग्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं आपको यहाँ पे एक और इमेज दिख रही होगी जिसमें फूड प्रोसेसिंग कंपोनेंट को पैक करने के लिए यही पॉली एसिड जो है वह यूज किया जाता है तो आज हम देखते हैं कि पॉलीमर का जो पोल्यूशन है वह बढ़ते जा रहा है और उसे ही रिड्यूस करने के लिए हमें ऐसे पॉलीमर की जरूरत है जो हमारा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पूरा काम कर दे और उसी के साथ बायोडिग्रेडेबल भी हो तो पॉलीलैक्टिक एसिड इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फ्यूचरिस्टिक पॉलीमर जो यूज किया जा रहा है अब बहुत ही सारी जगह में जिसका यूज एंड एप्लीकेशन हम रिपीटेडली कर सकते हैं लेकिन जब हम इसे एनवायरमेंट में रिलीज कर देंगे एट द लास्ट क्टिक एसिड अंडर गो इन द डिकम्पोजिशन और डीकम्पोजिशन होने के बाद हमें फाइनल डिग्रेडेशन उस पॉलिलैक्टिक एसिड का मिल जाता है तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पॉलिलैक्टिक एसिड उसका इंट्रोडक्शन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूजेस एंड एप्लीकेशन तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से अब पोलैक्टिक एसिड जिसे हम पोलैक्टाइड भी कहते हैं तो यह और एक नाम है इसका पॉलीरेक्टाइड्स पॉलिटाइड्स का मीनिंग होता है सेम थिंग पॉलीलैक्टिक एसिड और एसिड पॉलीमर तो इसे इन नामों से भी करते हैं तो दो कैटेगरी है पॉलीमर की डिपेंड ऑन दी टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर का इफेक्ट पॉलिमर पे क्या होता है उसके हिसाब से हम पॉलिमर को दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं

और इस लैक्टिक एसिड की ओरिजिन होने की वजह से ही जो पॉलीलैक्टिक एसिड हमें मिलता है इट इज टू बी अ जनरल टाइप ऑफ पॉलीमर तो इसे हम पॉली कैटेगरी में करेंगे जैसे कि आपने स्ट्रक्चर देखा ही होगा और आगे देखने वाले हैं तो जो लैक्टिक एसिड मोनोमर हम यूज करते हैं लैक्टिक एसिड मोनोमर इट इज अ कंप्लीटली हंड्रेड परसेंट ऑप्टेन फ्रॉम द रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो यहाँ पे अगर हम ग्रीन केमिस्ट्री के सिंथेसिस के कुछ रूल्स या तो फिर हम कहेंगे जो ट्वेल्व प्रिंसिपल थे ग्रीन केमिस्ट्री के वे फुलफिल होते हैं जिसमें स्टार्टिंग मटेरियल जो होगा वे रिन्यूएबल अगर होता है तो वैसे सिंथेसिस जो है उन्हें ग्रीन सिंथेसिस कहा जाता है तो पॉलीलैक्टिक एसिड इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ ग्रीन सिंथेसिस जिसमें हम पूरी तरह हंड्रेड परसेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करते हैं और इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमें पॉलीलैक्टिक एसिड का लैक्टिक एसिड मोनोमर कहाँ से मिलता है फ्रॉम द कॉर्न और शुगर बीट्स तो कैसे इस पॉलीलैक्टिक एसिड को बनाया जाता है तो यह पूरी प्रोसेस हम आगे देखने ही वाले हैं लेकिन एसिड की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो हमें याद रखनी है इट इज इट्स बायोडिग्रेडेबल नेचर और बायोडिग्रेडेबल है जैसे कि हमने देखा था कि पॉलिविनल अल्कोहल भी बायोडिग्रेडेबल है और सोलिबल भी है लेकिन वहां पे सोलिबिलिटी होने की वजह से उसका एप्लीकेशन में हम कुछ लिमिटेशन देख पाते थे लेकिन यहाँ पे पॉलीलैक्टिक एसिड जो है वे बायोडिग्रेडेबल होते हुए भी थर्मोप्लास्टिक नेचर दिखाता है इसलिए हम इसे एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ़ व्यू अच्छे से यूज कर पाते हैं तो है कैटेगरी में आता है अब इस कैटेगरी में आने वाला यह पॉलीमर जो है हम पॉलीस्टर की कैटेगरी में अंडरस्टैंड करते हैं तो पॉलीलैक्टिक एसिड इज नथिंग बट अ पॉलीस्टर पॉलीमर तो पॉलीस्टर पॉलीमर में हमने थैलेट जो है वे पॉलीमर देखा था तो उसी तरह से यह पॉलीलैक्टिक एसिड जो है वे उस कैटेगरी में आ जाता है तो ईस्टर बॉन्डिंग है जो मल्टीपल बॉन्ड है पॉलीमर में वे होता है ईस्टर बॉन्ड तो इसी के नाम से हम यहां पे कहते हैं पॉली यह सोर्स जो हमें मिल रहा है वे है बायोलॉजिकल बेस

तो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट क्या है तो हमने जो भी हाइड्रोकार्बन पॉलिमर्स जो देखे थे इट इज फ्रॉम द पेट्रोलियम स्टार्टिंग मटेरियल हमें से मिलेगा फ्रॉम द पेट्रोलियम तो यहाँ पे वैसे नहीं है पॉलीलैक्टिक एसिड में क्या होता है कि हम जनरली इसे बायोलॉजिकल सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं जैसे कि कॉर्न या शुगर बीट्स मैंने कहा था जिससे हमें लैक्टिक एसिड मिलेगा और इसी लैक्टिक एसिड का पॉलीमराइजेशन करके हमें पॉलीलैक्टिक एसिड मिलेगा इसका रॉ मटेरियल जो है वह अलग अलग प्रोसेस से हम निकाल सकते हैं जो जनरल प्रोसेस यहाँ पे यूटिलाइज की जाती है वह है फर्मेंटेशन प्रोसेस जिसमें कॉर्न स्टार्च मेज या शुगर वीट होगा तो इनमें जो भी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स है इन कार्बोहाइड्रेट्स को फर्मेंटेशन प्रोसेस में कन्वर्ट करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है तो इसलिए पर्टिकुलर बैक्टीरिया यूज किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में और लैक्टिक एसिड इज अ प्रोडक्ट ऑफ

तो एक्चुअली यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है या समझ लीजिए या तो मे या शुगर व्हीट इनका जो भी कार्बोहाइड्रेट मटेरियल होगा उनसे हमें मिलता है तो हम देखते हैं कि एक्चुअल प्रिपरेशन पॉलीलैक्टिक एसिड का कैसे किया जाता है तो पॉलीलैक्टिक एसिड एसिड जो है वे लैक्टिक से भी कर सकते हैं या तो फिर लैक्टाइड जिसे हम कहते हैं उनसे सिंथेसाइज कर सकते हैं और मोस्टली जो पॉलीलैक्टिक एसिड हम यहाँ पे बनाते हैं वे लैक्टाइड की रिंग ओपनिंग रिएक्शन के मदद से हम बना सकते हैं अब यहाँ पे रिंग ओपनिंग रिएक्शन आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड दिस इज द लैक्टिक एसिड याद कैसे रखना है यहाँ पे तो थ्री कार्बन स्केलेटन है थ्री कार्बन स्केलेटन तो यहाँ पे सी एच टू सी एच सी और इस कार्बन स्केलेटन में सेकेंड जो ग्रुप है कार्बन उस पर एक ओ एच ग्रुप अटैच है तो इस तरह का जो स्केलेटन याद स्ट्रक्चर मिलेगा उससे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड अब इस लैक्टिक एसिड का साइक्लाइज जो यूनिट है जिसमें हम डिहाइड्रेशन करके दो यूनिट अगर कंबाइन कर दे तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन कार्बन दिस कार्बन एंड द थर्ड कार्बन इट इज इज दिस दिस वन द थर्ड कार्बन और यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन है ग्रुप OH ग्रुप और यहाँ पे दिस हाइड्रोक्सी तो इनमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन की रिएक्शन यहाँ पे बताई हुई है एंड वट वी गेट अ लैक्टाइड और इस लैक्टाइड का पॉलिमराइजेशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं तो फिर लैक्टिक

फ्री ओ एज ग्रुप है उनके साथ आगे रिएक्शन होते जाएगी और हमें थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर कैटेगरी the अब यहाँ पे यह भी इंटरेस्टिंग बात है कि यह पॉलिलैक्ट्रिक एसिड जो पॉलीमर हमें मिलता है वे ड्यूअल नेचर में होता है जिसमें थर्टी सेवन परसेंट जो है वे क्रिस्टलाइन नेचर होता है और बचा हुआ जो नेचर है वे, वे जो रेंजेस होती है वे डिपेंड होती है विदर द पॉलिमरिजन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस तो अगर क्रिस्टलाइन है तो यहाँ पे जो भी रेंज हमें मिलेगी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की वे बहुत ही नैरो होगी या तो फिर शार्प होगी

गेट रेंज ऑफ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिकोर्स कोई भी पॉलिमर हो उसमें रेंज ही मिलता है तो 170 अब इस पॉलीमर को हम प्रोसेस करके फाइबर्स में कन्वर्ट कर सकते अब फाइबर्स हर एक पॉलीमर का नहीं बन सकता ध्यान दीजिए फाइबर्स हर एक पॉलीमर का नहीं बन सकता द फाइबर्स ऑफ पॉलिमर इज ओनली कंसिडर टू दॉलीमर है द कैरेक्टरिस्टिक अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉलीमर को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो इस तरह से हमें थ्रेड मिलेगा और इस थ्रेड का जो डायमीटर है यहाँ की जो डायमीटर आपको दिखाई देगी इस डायमीटर से कंसिडर करते हुए इसकी लेंथ जो है वे कितना होना चाहिए कम से कम थाउजेंड टाइम थाउजेंड टाइम ज्यादा होगी तो उसे ही हम इस फाइबर कैटेगरी में कंसिडर करते हैं तो पॉलीलैक्टिक एसिड इट इज वन ऑफ द पॉलीमर विच इज कंसिडर एज अ फाइबर पॉलीमर जिससे हम फाइबर जो है वे बना सकते हैं इसी के साथ यह सोल्यूबल होता है कई सारे सोलोन में जिसमें है क्लोरिनेटेड सोलोन जितने भी है जैसे कि एसिड है वह सोल्यूबल तो है, है, तो है, है उसी के साथ डायऑक्सिन बेंजीन एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन टी एच एफ इनमें भी यह पॉलिटिक एसिड जो पॉलीमर है वे सोल्युबल होता है तो ऑलमोस्ट जो पॉलीमर हमने देखे हुए

अब जो पोजिशन ऑफ ओ एज है जनरली जो शुगर में हम कंसिडर करते हैं दिस आर 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 ग्रुप ग्रुप एंड इज द प्राइम तो यहाँ पे लेफ्ट right तो और राइट साइड में होगा तो कैपिटल डी और कैपिटल एल ऐसा लिखते हैं और ये स्मॉल एल और स्मॉल डी जो है वे इंडिकेट करता है कायरलिटी मॉलिक्यूल्स में है और उसी हिसाब से हमें इसे नेम देते हैं एज अ एल पॉलीलैक्टिक एसिड और डी पॉलीलैक्टिक एसिड तो दोनों फॉर्म में मिलता है पॉलीमर बिकॉज ऑफ इज़ इनवॉल्व इन दी चेन। अब यह पॉलीमर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है बायोडिग्रेडेबिलिटी बायोडिग्रेडेबल है, bio bio है, हो जाता है यह तो में जो ऑक्सीजन है उसके वजह से भी यह बायोडिग्रेडेबिलिटी जो है वे स्टार्ट हो जाती है अलॉन्ग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब यहां पे हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटिक एसिड पे इसका इस्तेमाल किया जाता है तो फर्स्ट आपको यहाँ पे समझना होगा कि यह पॉलीमर जो है वे बायोडिग्रेडेबल है और इसी के चलते यहाँ पे इसके फाइबर्स भी बन सकते हैं इसी के साथ थर्मोप्लास्टिक भी है तो इसका यूज जो है वे बायोमेडिकल इम्प्लांट करने के लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट में किया जाता है अब बायोमेडिकल इम्प्लांट जो है वे क्या है तो कोई बायोलॉजिकल पार्ट अगर डैमेज हुआ है या तो फिर उसमें कुछ दिक्कतें हैं तो उन्हें रिप्लेस किया जाता है या तो फिर चेंज किया जाता है तो उसे कहेंगे हम इम्प्लांट करना अब इस बायोमेडिकल इम्प्लांट का यहाँ पे रोल ऐसे है कि ऐसे पार्ट हम पोलैक्ट्रिक एसिड के रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें अब यह हालांकि आपको यह नाम्स या तो फिर यह जो टर्म्स है वे ऑलरेडी पता होगी तो कई बार जब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो वहां पे मेटल प्लेट्स पिन रॉड्स क्रू इनका इस्तेमाल किया जाता है और जब इनका एप्लीकेशन करते हैं तो यह स्ट्रेंथ देने के लिए यूज किया जाता है और जब फ्रैक्चर रिपेयर हो जाता है तो इन्हें निकालने के लिए फिर से एक बार ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना होता है तो जो भी कुछ मेटल पार्ट्स हो गए प्लेट्स हो गए पींस हो गए रॉड्स या स्क्रू हो गए किसी पेशेंट्स में तो उनका एप्लीकेशन है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और जब पूरा रिपेयरिंग हो जाएगा उस हड्डी का तो उसके बाद प्लेट्स पींस स्क्रू या रॉड जो भी कुछ है उन्हें निकालना जरूरी होता है लेकिन अब अगर उसे रिप्लेस कर दिया जाए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जिसे हम कहेंगे यहाँ पे पॉलीलैक्टिक एसिड अगर इस्तेमाल करते हैं और पॉलीलैक्टिक एसिड से बने हुए प्लेट्स पिंस रॉड्स एंड स्क्रू अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आफ्टर द एप्लीकेशन तो तुरंत यह डिग्रेड तो नहीं होगा आफ्टर द एप्लीकेशन आफ्टर द फ्यू मंथ्स दिस पॉलीलैक्टिक एसिड डिकम्पोज इट्स इन द बॉडी तो यहाँ पे निकालने के लिए जो सेकेंड सर्जरी हमें करनी पड़ती थी या तो जो भी प्रोसीजर हमें करनी पड़ती थी अब वे नहीं करनी पड़ती इसीलिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोमेडिकल इम्प्लांट के प्रोसेस में तो यह फर्स्ट एप्लीकेशन है सेकेंड एप्लीकेशन है बायोमेडिकली एप्लीकेशन सेकेंड जिसमें जनरली जो ऊंड हो जाते कट्स हो गए तो उनमें स्टिचेस दिए जाती है तो इन स्टिचेस के लिए जो थ्रेड्स यूज किए जाते हैं यह थ्रेड भी पॉलीलैक्टिक एसिड के भी यूज किए जाते हैं आपने देखा होगा कि कई बार थ्रेड्स या स्टिचेस लगाने के बाद उन्हें निकालने के लिए डॉक्टर्स के पास जाना जरूरी होता है लेकिन अब रिसेंट मेडिकल एप्लीकेशन में ऐसे भी स्टिचेस है जिन्हें अप्लाई करने के बाद वे अपने आप ही घुल जाते हैं बॉडी में तो यह जो स्टिचेस है इट इज मेड अप फ्रॉम पॉलीलैक्टिक एसिड क्योंकि पॉलीलैक्टिक एसिड की प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि पॉलीलैक्टिक एसिड से पॉलीलैक्टिक एसिड से हम फाइबर्स बना सकते हैं और इसी फाइबर्स का यूज करके थ्रेड जो है वे बना के स्टीचर्स या तो फिर हम कह सकते हैं उसी को कहते हैं स्टिचर स्टिचेस उनको अप्लाई करने के लिए किया जाता है इसी के साथ और बायोमेडिकल एप्लीकेशन है जिसमें डायलिसिस मीडियम के तौर पे पोलिलेक्टिक एसिड यूज किया जाता है और ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस में भी यूज किया जाता है अब ड्रग डिलीवरी जो है वे एक स्पेसिफिक और बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें मेडिसिन को लोड करते हुए एक मॉलिक्यूल जो है वे बॉडी में उस मेडिसिन को ले जाने के लिए पूरी मैकेनिज्म जो है वे वर्क करती है अब जनरली क्या होता है कि जो भी मेडिसिन हम बॉडी में देते हैं इट इज अ एक्सटर्नल थिंग तो बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती लेकिन ऐसे मेडिसिन अगर ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स में हम लोड कर दे जो बॉडी बायो लॉजिकल कंसेप्ट अंडरस्टैंड करके उनमें बॉडी में एक्सेप्ट कर लेती है तो वहां पे ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है वे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है तो इसमें इन कंसेप्ट में भी पॉलीलैक्टिक एसिड का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है तो फर्स्ट है बायोमेडिकल इम्प्लांट और सेकेंड है बायोमेडिकल एप्लीकेशन अब थर्ड यहाँ पे एप्लीकेशन है ड्यू टू इट्स बायोडिग्रेडेबिलिटी बायोडिग्रेडेबल है इसी की वजह से यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल भी है और कॉम्पेटिबल भी है मतलब कि बॉडी जो सिस्टम है इस पॉलीलैक्टिक एसिड को फॉरेन मटेरियल कंसिडर नहीं करेंगी और इजीली एक्सेप्ट कर लेती है अब यहाँ पे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं बायोडिग्रेडेबिलिटी होने की वजह से इसको यूज किया जाता है फॉर द दर्पज ऑफ मेकिंग डिस्पोजेबल आइटम्स अब डिस्पोजेबल आइटम जो एक बार यूज करने के बाद फेंक दिए जाते हैं उन्हें हम कहेंगे डिस्पोजेबल आइटम अगर इस डिस्पोजेबल आइटम में अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है तो इसका बहुत सारा बड़ा कचरा जो है एनवायरमेंट में रिलीज होता है और उसी को अवॉइड करने के लिए उसे रिप्लेस किया जाता है पॉलिलैक्टिक एसिड से और इस डिस्पोजेबल आइटम में क्या हो सकता है तो फूड पैकेजिंग के जो भी कुछ कवर्स हो गए तो वे सब आ गए कंपोस्ट बैगिंग जो है वे भी आ गई टेबल वेयर जो है कप्स है इनको भी पॉलीलैक्टिक एसिड से बनाया जा सकता है अब कप्स जो है टी के लिए यूज करते हैं या तो वाटर ड्रिंकिंग ड्रिंक यूज करने वाले कप्स हो गए तो वे अगर पॉलीलैक्टिक एसिड के हैं और उसे फेंक दिया जाए तो बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से वे कंप्लीटली डिकम्पोज हो सकते हैं तो यह भी एक एप्लीकेशन है बिकॉज ऑफ दी प्रॉपर्टी दैट इज अ बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टी अब और एक एप्लीकेशन देखते हैं इनका यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ फाइबर्स तो यहाँ पे भी हमने देखा था कि फाइबर होने की वजह से यहाँ पे स्टिचेस में यूज किया जाता था तो इसी एप्लीकेशन को चलते इसको यूज किया जाता है फॉर द मेकिंग डिस्पोजेबल गारमेंट्स अब डिस्पोजेबल गारमेंट जो एक बार यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है उसे हम कहेंगे डिस्पोजेबल गारमेंट हाइजीन प्रोडक्ट्स या अपोलोसी इनको यूज करने के लिए जनरली यूज किया जाता है पॉलीलेक्टिक एसिड तो इसी का एप्लीकेशन दिखाने के लिए आपको यहाँ पे मैं डायग्रामेटिक दिखाना चाहूंगा तो फर्स्ट इज ड्रग डिलीवरी जहाँ पे नैनो पार्टिकल्स जो है वे ड्रग्स को कैरी करने के लिए यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स को कैरी करने के लिए पॉलीलैक्टिक एसिड जो है वे यूज किया जाएगा एंड दैट पॉलीलैक्टिक एसिड कैरी दैट ड्रग्स इन द बॉडी ईजिली यहाँ पे स्टिचेस जो है सेचर्स जिसे कहते हैं तो उनको भी यू, पॉलीलेक्टिक एसिड से अगर हम अप्लाई करते हैं तो अपने आप में घुल जाती है उन्हें निकालने के लिए फिर से वापस से डॉक्टर के पास जाना वहां पे जरूरी नहीं होता इसी के साथ एडवांस सिस्टम में स्किन टिश्यू रिपेयर्स में अगर बर्निंग हो जाती है तो फिर टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो पॉलीलेक्टिक एसिड्स के लेयर जो है वे लगा दिए जाते हैं जिससे स्किन टिश्यू रिपेयरिंग जो है वे आसान हो जाती है मेडिकल इम्प्लांट जिनमें कप्स थे स्क्रू थे प्लेट्स थे इनको पॉलीलेक्टिक एसिड से बनाया जाता है और अगर उनका एप्लीकेशन करते हैं तो उनको निकालने के लिए जो सेकेंडरी सर्जरी करनी होती है या तो प्रोसेस करनी होती है वे करना जरूरी नहीं होता वेस्क्यूलर ग्राफ्टिंग में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द मेकिंग आर्टिफिशियल मसल्स एंड स्केफोल्ड्स में तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है इसी के साथ डिस्पोजेबल पार्ट्स में भी या डिस्पोजेबल फूड आइटम बनाने के लिए भी पॉलीलैक्टिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है इसी के साथ यहाँ पे हम यह फिनिश करते हैं पॉलीलैक्टिक एसिड ऐसे ही सब पॉलीमर की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई हुई प्लेलिस्ट में मिल जाएगी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लिंक मिल जाएगी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा आपके कुछ भी कमेंट्स हो या तो फिर क्यूरीज हो तो कमेंट में आप जरूर मैंशन कीजिएगा हैव अ नाइस डे